Hey guys, welcome back to my channel. So I'm back with another interesting and helpful video. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ना दिखाने वाली हूँ अपना एक Amazon का हॉल. तो अभी Amazon पे चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और जो ख़त्म होने वाली है 2 नवंबर को. तो इस पे जो है ना आपको देखने को मिलेगा सभी बड़े जो भी ब्रांड्स होते हैं और लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी से रिलेटेड जो भी कैटेगरी है सब कैटेगरीज में ना आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा प्रोडक्ट्स पे. और इसमें ना मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है, क्लोथिंग आइटम और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड किए हैं. तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं. ओके, सो विंटर स्टार्ट होने वाले हैं तो मैंने जो है ना फर्स्ट एक स्टोल जो है ना मैंने ये परचेज किया है अमेजोन से. ये मुझे अमेजोन पे दिखा और ये अप्रॉक्स जो है ना आपको 4 to 5 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा, कलर कॉम्बिनेशंस में मिल जाएगा. मैंने जो है इसका ये कलर कॉम्बिनेशन परचेज किया है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और वार्म टाइप का है और मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. मतलब क्वालिटी की मैं बात करूँ ना, मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो जितना भी इसके ऊपर स्पेंड किया ना वो बिल्कुल वर्थ इट है. आई थिंक 550 या 560 रुपीज़ में मुझे ये स्टोल मिला है. तो ये स्टोल ना पूरा ऑल ओवर इसी टाइप का है, इस पे चेक्स बने हुए हैं और ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. अगर आप वार्म सा कुछ स्टोल ढूंढ रहे हो और अच्छी लेंथ अगर आपको चाहिए है तो आप इसको ज़रूर परचेज कीजिए. मतलब विंटर्स में आपको ये ना बहुत ज़्यादा वार्म रखेगा और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. और साथ में इसके जो स्टोल के जो नीचे साइड में, दोनों ही साइड में स्टोल के जो है इस तरीके से ये सॉफ्ट सॉफ्ट से ना पॉम पॉम लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. इसकी वजह से ना कंप्लीट स्टोल का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है और मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा. और इसकी लेंथ स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगी और वार्म भी रखेगा विंटर्स में. तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया अपने अमेजोन हॉल में. ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ना ये है जीन्स. और ये ना मैंने पेपर बैग टाइप की जीन्स जो होती है उस टाइप की जीन्स है ये मैंने परचेज की है. और ये स्ट्रेचेबल जीन्स है और हाई वेस्ट जीन्स है और इसकी ना क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. ये प्लेन ब्लैक कलर की डेनिम है और अफोर्डेबल प्राइस में आई थिंक 750 या 800 रुपीज़ में ये इसका प्राइस है. तो मुझे इसकी क्वालिटी जो है ना अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी. स्ट्रेचेबल है तो आप जो है अगर 30 साइज़ पहनते हो नॉन स्ट्रेचेबल जीन्स में तो आप जो है इसका 28 साइज़ परचेज करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. और इसी पे ना आपको ना इलास्टिक लगा हुआ मिलेगा, ये इलास्टिक है इसीलिए आप इसका एक छोटा साइज़ परचेज करें. मैंने इसका जो है ना 28 परचेज किया हुआ है और ये मुझे बहुत ही अच्छे से आता है. इसकी फिटिंग भी मुझे बहुत अच्छे से आती है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट ना ये ब्लैक कलर की एक जॉर्जेट की चिकनकारी कुर्ती है. मैंने पहले भी एक चिकनकारी कुर्ती ली हुई है ब्लैक कलर में ही. मैंने जब अमेजोन पे ये चिकनकारी की कुर्ती देखी तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और साथ में इसका जो नेक एरिया पे जो डिज़ाइन बना हुआ है वाइट थ्रेड से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था मुझे. सो मैंने सोचा कि एक और परचेज कर ली जाए. और इसका जो जॉर्जेट है ना, रफ जो जॉर्जेट होता है वो नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जॉर्जेट मटेरियल है. एक अफोर्डेबल प्राइस में जो है ना चिकनकारी कुर्ती मिल रही है और इसमें भी आपको ना 10 to 12 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे और सभी के जो डिज़ाइन है और कलर्स हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं. और साथ में मैंने एक और डेनिम जो है परचेज किया अमेजोन से ही. सो ये है डार्क नेवी ब्लू कलर में और इसका जो पैटर्न है ना ये फ्लेयर्ड है काफ़ी ज़्यादा. एक फ्लेयर्ड डेनिम मेरे पास पहले भी थी पर वो इतनी ज़्यादा नहीं थी तो मैंने अगेन इसको परचेज किया है. ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर्ड है और साथ में इसका जो वेस्ट एरिया है वो हाई वेस्ट है और ये स्ट्रेचेबल नहीं है. तो ये सिंपल सी प्लेन डेनिम है, फ्लेयर्ड है इसका नीचे तक में पूरा बॉटम जो है काफ़ी ज़्यादा. इसकी भी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और प्रोडक्ट्स के लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं. और साथ में आप अगर अभी परचेज करते हैं ना अमेजोन से तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में जो है ना सारे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं. अमेजोन पे अभी चल रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली सेल. सो नेक्स्ट मैंने परचेज़ की ये प्लेन डेनिम. ये ना नीस में से हल्की हल्की जो है ना रिब्ड है और बाकी पूरी प्लेन डेनिम है और ये जो डेनिम है बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है. तो आप अपना जो प्रॉपर साइज़ होता है ना वही परचेज़ करें इसमें, तभी आपको इसकी फिटिंग सही आएगी. अदरवाइज़ ये आपको छोटी हो सकती है वेस्ट एरिया पे से या तो आपको बहुत ज़्यादा टाइट हो सकती है. तो आप अपना परफेक्ट साइज़ परचेज़ कीजिए. ओके, सो नेक्स्ट जो है ना मैंने हेयर क्लिप्स का जो है सेट परचेज किया है. मैंने 3 हेयर क्लिप्स जो हैं वो परचेज किए हैं. तो इस तरीके से ये तीनों हेयर क्लिप्स जो हैं आए हैं और इसमें जो है ना एक ये हेयर क्लिप है इस टाइप से एंड देन फिर ये है अगेन, उसमें भी सामने जो है छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है. एक मैंने सिंपल सा ना इसका ना ये जो कलर है मैंने ऐसा परचेज किया कि मतलब मैं किसी भी ड्रेस के साथ इसे जो है पहन सकूं. एक पर्टिकुलर कलर नहीं मैंने चूज़ किया कोई भी. तो इस तरीके से ये भी है और साथ में ये दूसरी जो हेयर क्लिप है ये इसमें ना पर्ल लगे हुए हैं छोटे छोटे बहुत ज़्यादा और ये इस तरीके से बॉबी पिन्स जैसे होती हैं उस टाइप से आपको लगाना है इसे. तो ये तीनों क्लिप्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिले, साथ में इनकी जो क्वालिटी है ना
मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और काफ़ी अच्छे से जो है ना हेयर को टाई करके रखते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक निकलते नहीं हैं। तो अब मैं बात करती हूँ अपने स्किन केयर की। तो मैंने जो है ना स्किन केयर के भी प्रोडक्ट परचेस किए हैं, तो मैंने ना वाओ स्किन साइंस के जो है ना प्रोडक्ट परचेस किए हैं। तो पहला मैंने परचेस किया है वाओ स्किन साइंस का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क। तो मैंने अभी तक इसका ना ये पील ऑफ मास्क ट्राई नहीं किया था। इसका वैसे प्राइस जो है ना 399 रुपीज़ है, बट ऑफर प्राइस में काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया है, इसीलिए मैंने इसको परचेस किया पील ऑफ मास्क भी। और साथ में जो है ना विंटर्स आ रहे हैं, तो मैंने ना अपना फेस वॉश चेंज करना था, क्योंकि मैं विंटर्स में जो हूँ फोमिंग फेस वॉश ज़्यादा यूज़ करती हूँ ताकि वो स्किन को डीप क्लीन कर सके। विंटर्स में हमारी स्किन जो है ना मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं हम, उसकी वजह से मेरे पोर्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्लॉक हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं फोमिंग फेस वॉश यूज़ करती हूँ ताकि वो डीप क्लीन कर सके मेरे पोर को। तो इसीलिए मैंने वाओ का ही स्किन साइंस का ही जो है फोमिंग फेस वॉश जो है वो लिया है। और ये हाइड्रेटिंग इन्फ्यूजन ऑफ रोज वाटर एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, तो ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट मैंने इसका जो है ना ये वाला पंप वाला फॉर्म जो होता है ना वो मंगवाया है। मैंने इसका ब्रश वाला नहीं मंगवाया, क्योंकि विंटर्स में मैं ब्रश नहीं यूज़ करती हूँ, अवॉइड करती हूँ। अदरवाइज़ अगर आप ब्रश वाला भी यूज़ करना चाहें ना वो भी बहुत अमेजिंग है। ये जो है ना इसकी प्राइस 349 रुपीज़ है अभी तो, वैसे तो प्रिंट, लेकिन ऑफर प्राइस में इसका काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मुझे ये भी मिला है, तो मैंने सोचा फटाफट से परचेस कर लिया जाए, क्योंकि सेल जब ख़त्म हो जाएंगी तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना अपने प्रिंट प्राइस पे आ जाते हैं, तब फिर मुझे लगता है कि मैंने सेल में क्यों नहीं परचेस किया। तो इसलिए मैंने अभी से ही अपना स्टॉक रख लिया है परचेस करके विंटर्स के लिए भी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ना ये भी वाओ स्किन साइंस से है, ये है रिच ऑलिव बॉडी बटर। और मैं ना विंटर्स जब आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज करती हूँ अपनी स्किन को, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखना पसंद करती हूँ ना, स्टार्ट कर दीजिए। तो ये है वाओ स्किन साइंस का रिच ऑलिव बॉडी बटर, और इसका भी ना प्राइस 499 रुपीज़ में, पर अभी इस टाइम पे आपको एक अच्छे ऑफर प्राइस में ये मिल जाएगा। तो मैंने ना एक और आइटम परचेस किया है, मैंने ये पोटली बैग भी परचेस किया है। ऑलरेडी मेरे पास ना इस टाइप के बैग्स है 3-4 आई थिंक कलर में हैं, तो इस बार मैंने जो है ना ये रेड कलर में परचेस किया है। ये एकदम रेड कलर जो होता है ना उसमें है, मेरे पास मरून में भी है, ग्रीन में है, पिंक में है, तो मैंने सोचा कि इस बार एक रेड में परचेस किया जाए। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, आई थिंक 150 या 170 रुपीज़ में मिल रहा है। साथ में ना काफ़ी अच्छी स्पेस भी मिलती है, आपके फ़ोन के साथ में अपना और भी छोटी मोटी 3-4 चीज़ें जो है कैरी कर सकते हैं। और इसमें ना कंप्लीट ऑल ओवर पोटली बैग में फ्रंट में और बैक में जो है इस तरीके से गोल्डन थ्रेड का जो है ना वर्क किया हुआ है, सीक्वेंस वर्क है, आपको ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो यार गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। साथ में कमेंट करके ये जरूर बताइए कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगा और किसका प्राइस जो है आपको सबसे अच्छा लगा। सो मैं मिलूंगी आपको अपने एक और इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्यूटीफुल।